अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की चंद बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिन पर अमल करके आप लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चार चीज़ें बदन में कुव्वत पैदा करती हैं: गोश्त खाना, कसरत से गुसल करना, खुशबू लगाना और सूती कपड़ा पहनना। इन बातों पर अमल करके आप लोग अपने जिस्म में कुव्वत पैदा कर सकते हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चार चीज़ें रिज़क को बढ़ाती हैं: कसरत से सदका करना, कसरत से ज़िक्र करना, कसरत से इस्तफार करना और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चार चीज़ें अक्ल को बढ़ाती हैं: फजूल कलाम से परहेज, दांत साफ़ रखना, सालीन की मजलस करना, उलमाए कराम की सोबत अख्तियार करना। तो नाज़रीन, इन बातों पर अमल करके आप लोग अपनी अक्ल में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चार चीज़ें नज़र को तेज़ करती हैं: सोते वक्त सुरमा लगाना, सब्ज़ाज़ार को देखना, जगह साफ़ जगह पर बैठना और खाना काबा को देखना। दोस्तों, इन बातों पर अमल करके आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।